पकड़ो सामान पकड़ो। जिस दिन आया था मैंने कहा था वो दोनों बेटी और बच्चे को गोद लेना, मैं आज गोद लेने आया हूँ, पैसे देने नहीं, इनको टीचर बनाने की जिम्मेदारी और मेरी गारंटी। इसको ना तो कोई समाज में मैं हाथ फैलाने दूंगा शादी विवाह के लिए ना चीजों के लिए। जो समाज जीते जी माँ बाप को हाथ नहीं लगा सका, ये कल के दिन क्या करेंगे ये समाज। ये आज से ये दोनों बच्ची और बच्चा मेरा, ये आप इसको बहुत क्लियर समझ लीजिए। इनको हाथ फैलाने की न तो सरकार के पास जरूरत है न तो समाज के पास। बेटी है, याद होगा आपको, रानीगंज में, जिनका कोरोना में मम्मी पापा डेथ कर गए थे। कोरोना में मम्मी पापा डेथ किए थे ना, अरे रानीगंज में कोरोना में मम्मी पापा डेथ कर गए थे जिनका, जिनकी बेटी कोई छूने के लिए तैयार नहीं था और खुद बेटी मट्टी दी थी अपने माँ बाप। बिशनपुर पंचायत याद आ गया, उनकी बेटी मैं अडॉप्ट किया हूँ और उनको बीएड कॉलेज में अगले साल एडमिशन, एक सीट फाइनल रख ली, इंटर कर रही, हाँ एंट्रेंस टेस्ट दिलाना होगा आपको किसी भी समय। एक मिनट बताइए इनको। हेलो, प्रणाम। प्रणाम करते हैं। ठीक है। हेलो, गाड़ी में बैठ कर बात करते हैं, हम इसको आपका नंबर दे देते हैं। एंट्रेंस टेस्ट क्या जो भी करना होगा आप अभी से इसकी प्रक्रिया तैयार। तो जिंदगी में थे कमाल कर लियो था पता छो कते बहादुर छो। सोचने भी नहीं रही कभी कि ना आते हैं कभी लाइफ में से ना करना। ओ भैया तने वो ना लाइट बंद करो उधर से। मुखिया जी छे सब तो और हम जेल से निकल लिए। लैस होने से बंद करा था पूरा लाइट बंद कर दीजिए। शराब मोबाइल बंद करा पीछे शराब से मौत फैला गई लेकिन सब अपने हम जा रहे। इसको समझिए, हमने पहले ही अपने लीडर से कह दिया था वो परिवार को गोद लेना है मुझे। आप विक्टर जी से, हमारे अध्यक्ष से, किसी से आप पूछ लीजिएगा कि जिस दिन आया था मैंने कहा था वो दोनों बेटी और बच्चे को गोद लेना, मैं आज गोद लेने आया हूँ, पैसे देने नहीं। ये तो एक नीड्स है, इसीलिए हमारे लीडर की ओर से सलाह मशीन अनचीज, ताकि हमारी बच्ची यदि तब तक घर पे रहे तो उसको सीख करके कुछ चीजें कर सके। 50,000 रुपया तत्काल जिंदगी की जो शुरुआत होती है, जो इनको कभी अभाव में नहीं रहना पड़े, ये फील ना करे कि इनके पिता नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा। बड़ी बेटी सोनी है वीरेंद्र बाबू की, मैंने तय कर दिया कि किसी भी कीमत पे अगले साल इनका एडमिशन बीएड कॉलेज में हो जाएगा, ताकि इनको मैं टीचर बना सकूं हर परिस्थिति में। तो बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने तरफ से? नहीं नहीं, बहुत क्लियर है, इनको टीचर बनाने की जिम्मेदारी और मेरी गारंटी। ये इसको ना तो कोई समाज में मैं हाथ फैलाने दूंगा शादी विवाह के लिए ना चीजों के लिए। जो समाज जीते जी माँ बाप को हाथ नहीं लगा सका, ये कल के दिन क्या करेंगे ये समाज। अपने लिए बेचारा, एक तो
मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको तो खुद ही जीने के लिए नहीं आए तो कि दूसरों को बेचारे मदद कर सके, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो जीना नहीं जानते हैं खुद के लिए, तो इसीलिए इनके बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन और सोनी का बहुत क्लियर। हाँ लेकिन सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सभी कोरोना पेशेंट जो डेथ किए हैं उनको 4 लाख रुपया, और जो इनके पिता का चेक नहीं मिला है डीएम से बात करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो सरकार से बात करेंगे, होम सेक्रेटरी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। आज ही मैं तो लगातार घटना पर घटना, चूंकि मैं शुरू में आते शराब से 80 लोग मर गए, उसके बाद पत्रकार को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, कभी उसमें कभी मैं वहीं जा रहा हूँ पत्रकार हूँ, आज से यह दोनों बच्ची और बच्चा मेरा, ये आप इसको बहुत क्लियर समझ लीजिए, इनको हाथ फैलाने की न तो सरकार के पास जरूरत है न तो समाज के पास। मुखिया जी मुखिया सब तो और हम जेल से निकल लिए पूरा शराब से मौत फैला गए।